लैम्बोर्गिनी अब उड़ने वाली है। ठीक है, तो किसी के पास कोई आइडिया है, मतलब कि आप सबको क्या लगता है? बाउंसी कैसल्स वो इतना बुरा आइडिया भी नहीं है, क्योंकि सच में बुरा आइडिया नहीं है। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आइडिया से इंस्पायर होकर ब्लेक ने अपना मास्टर प्लान तय कर लिया था। मैं सभी कंटेनर्स को एक स्क्वायर में रखना चाहूंगा और बीच में एक एक्स बनाकर वहां पर बीचों बीच बहुत से एयर मैट्रेसेस, तकिए, बबल रैप और उन सब के ऊपर कुछ उछलती चीजें रखना चाहूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी मेरे पास कोई सामान नहीं है। जो कुछ भी मैंने खरीदा है वो एक तो हार्ड कंक्रीट या फिर मेटल ही है, उनमें से कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं। फिर ब्लेक ने अपने क्रू को शहर के सारे एयर मैट्रेसेस और तकिए खरीदने के लिए भेज दिया और अच्छे से नींद न होने के बावजूद भी वो काम पर लग गया। मैं अभी ये सोचने लगा हूं कि आखिर मैं ये कर किस लिए रहा हूं। ओ हां, सही कहा, मैं एक चैलेंज में हूं जिसमें एक लैम्बोर्गिनी अभी हवा में तैर रही है। और जब तक ब्लेक का सारा सामान आया तब तक ब्लेक 24 घंटों से जरा भी नहीं सोया था और उसे नींद की बहुत जरूरत थी। अब सोने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैं थक गया हूं और सुबह के 4 बजे हैं। और क्योंकि ब्लेक बहुत थका हुआ था तो उसने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही देर सो गया। ब्लेक, क्या वो सीरियस है? ये क्या है, इसके पास मैट्रेसेस, तकिए और ब्लैंकेट्स हैं, बस गुनगुना सा दूध नहीं है। हाँ, वही तो सबसे जरूरी है। पर ब्लेक कहाँ है? मैंने सुना है वो सो रहा है। नहीं, हो नहीं सकता है। हाँ। और जब तक ब्लेक साइट पर पहुंचा उसे पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। देखो, ब्लेक का ट्रक आ रहा है, हमें काम पर लगना चाहिए। चलो देखिए वो कैसा लग रहा है। ओह, वो बाउंसी हाउस एक बड़े बॉक्स जैसा काम करेगा, तो शायद अभी हमें उसे बीच में रखना चाहिए और फिर उसे फुलाना चाहिए। सिर्फ 4.5 घंटे बचे हैं और यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे लैम्बोर्गिनी को पकड़ने के लिए 10% चांसेस भी नहीं लग रहे हैं। और अगर वो कर भी लेता है तो भी वो बाद में उस ट्रेन को नहीं रोक पाएगा। उन्हें साइड से भरना शुरू करो ताकि यहाँ से थोड़ा ऊपर हो जाए और ये जगह भी भर जाए। ब्लेक के पास बस कुछ ही घंटे बचे थे और उसने पूरी कोशिश करके अपने उस पिट में बचे हुए कार्डबोर्ड बॉक्सेस और बबल रैप्स भर दिए। वो नीचे आने वाली है। चैनल, कितना टाइम बचा है? 1 घंटा। ब्लेक तो गया। थोड़ा बबल रैप बचा है, शायद मुझे इस मशीन से ऊपर जाना चाहिए और मेरी लैम्बो को रैप करना चाहिए, फिर सब ठीक रहेगा। इससे कुछ नहीं होने वाला। ब्लेक ने अपना बचा हुआ थोड़ा वक्त अपनी कार को नाकामयाबी से बबल रैप करने में लगा दिया। ऐसे काम नहीं बनने वाला। पता है अभी क्या वक्त है? क्या वक्त है? कार गिराने का। चलो इस कार को गिराते हैं। उस नाकामयाब बबल रैप की वजह से ये आलिशान लग रहा है। ब्लेक, क्या लगता है लैम्बोर्गिनी बच पाएगी? पूरा यकीन है जिमी। इसे मुझसे ज्यादा यकीन है। मुझे इस बार पूरा यकीन है। मैंने वॉलमार्ट की सभी एयर मैट्रेसेस खरीदी हैं। उम्मीद है वो उसे बचा पाएंगी। मैंने सारी कोशिशें कर ली। ये लो एक फीसिबल्स बार, ब्लेक। वाओ, थैंक यू मिस्टर। इस तरह अगर तुम कार खो भी देते हो तो अच्छा चॉकलेट तो खाओगे। ये वॉलमार्ट में अवेलेबल है। हमारे नए बार्स ट्राई करिए। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या लगता है। पर कुछ भी हो, तुम्हारे पास है 3 बाउंसी कैसल्स और पूरी 150 मैट्रेसेस। और कितने तकिए हैं? 150। पूरे 150 तकिए और 2000 कार्डबोर्ड बॉक्सेस। क्या वो लैम्बोर्गिनी को बचा पाएंगे? हाँ, हाँ। ये तो 2 हाँ है। हाँ, बिल्कुल। 24 घंटों की मेहनत, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। 3, 2, 1, लैम्बोर्गिनी को गिरा दो। कितना डैमेज हुआ है। लाइट्स काम कर रही है। लाइट्स ठीक है। हाँ, हो सकता है इस प्रिंसेस कैसल ने इस कार को बचा लिया हो। सच्चाई का वक्त। इतिहास में तुम पहले इंसान हो सकते हो जिसने एक लैम्बो को गिरने से बचाया हो। अगर ये शुरू हो जाती है। देखते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे इस पर पूरा यकीन था। ये जिंदा है। सब कुछ बढ़िया लग रहा है, बस बम्पर में एक छोटा सा क्रैक आया है। फिर हमने ऑफिशियल अप्रेजर से पता किया कि इससे ब्लेक की लैम्बोर्गिनी की प्राइस में कमी आएगी। मेरे ख्याल से लगभग 10,000। थैंक यू, गुड न्यूज के लिए शुक्रिया। और यही परफेक्ट टाइम है बताने का कि फेज 3 है फ्लेमिंग कार्स। ब्लेक के अगले चैलेंज के लिए